तो दोस्तों आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप किसी विद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र या छात्रा हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि आज हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया था, जहाँ पर आप स्वेच्छा से चाहे तो अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, यहाँ पर सब बताया गया है, तो आपको इस वीडियो में सब जानने को मिलेगा। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे है ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्ट का वैन हमारे सामने लगा है। अब कुछ ही देर में हम जाने वाले हैं अपने कॉलेज के ऊपर फार्मेसी के, जहाँ पे हमें बुलाया गया था एक साथ बैठने के लिए। अब देखेंगे क्या क्या वहाँ पे बात बताते हैं। आप भी जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने फार्मेसी के वहाँ पर, जहाँ पर हमें बुलाया गया था एक हाल में सबको, जितने विभाग वालों को है। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने फार्मेसी के हाल के अंदर। यहाँ पर आपको क्या क्या बताया जा रहा है, चलिए मैं आपको सब बताऊंगा। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जानकारी अधूरी मिल जाएगी। अगर आप जानते रहेंगे तो कि कोई भी पूछेगा कि ब्लड डोनेशन में क्या क्या होता है, तो आप क्लियरली उनको बता सकते हैं किसी भी बंदे को या फिर कोई भी आपसे पूछेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। ब्लड डोनेशन करने से पहले आपको कुछ टेस्ट देना होगा, जैसे एनीमिया, HIV वगैरह, आपको कुछ बीमारी तो नहीं है, ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह, या फिर कोई वैक्सीनेशन तो नहीं लगवा रहे हैं, मतलब ये सब आपको बताना पड़ेगा। इस केसेस में आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो सब मतलब स्वस्थ बच्चे हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन में कुछ और फॉर्मेलिटी जो आपको पूरा करना होगा, जैसे इसमें एक और बताया गया है कि जैसे लड़कियों और लड़कों के लिए, तो लड़कियों का वज़न इसमें निर्धारित किया गया, जिसमें 50 किलो से ऊपर होना चाहिए वही ब्लड डोनेट कर सकती हैं, और लड़कों के लिए 60 किलो से ऊपर बताया गया है। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको वज़न का जाँच किया जाता है, उसके बाद आपको अगले टेस्ट के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिलअप करके आपको वहाँ पर जमा करना होगा। तो जमा करने के बाद आपको वही ब्लड का टेस्ट होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, कौन आपका ब्लड कौन से ग्रुप का है। अगर आप नॉर्मली ये सामान्य मतलब डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाएंगे तो नॉर्मली आपको बताया जाएगा कि आपका मतलब सारा टेस्ट कराने के बाद लगभग आपका खर्चा आएगा 1200-1300 रुपये। लेकिन यहाँ पर आपको सब जाँच एकदम फ्री हो रहा है, क्योंकि आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब आ चुके हैं, वो भी बता रहे हैं कैसे कैसे क्या होगा। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा हानि तो नहीं होता होगा ब्लड में। अगर एक फ़ायदा, बहुत विशेष फ़ायदा ये है कि आप ब्लड डोनेशन आप कर मतलब कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर भविष्य में आपको किसी भी आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपको ब्लड की आवश्यकता पड़े तो सर्टिफिकेट दिखाकर आप ब्लड अपना वापस ले सकते हैं। जैसे एक यूनिट देंगे तो आपको 2 यूनिट तक भी मिल सकता है, 3 यूनिट तक मिल सकता है, क्योंकि आपने ब्लड डोनेट किया है अभी। तो कुछ ऐसे ही बात हमें बताया जा रहा है, ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। अगर कहीं भी अगर ऐसा कैंप आयोजित किया जाता है जहाँ पे आपको ब्लड डोनेशन करने के लिए बताया जाएगा, तो आप पहले ही बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा फॉर्मेलिटी होता है। तो यहाँ पे सर यही सब बता रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं सामने हमारे चश्मा लगाए डॉक्टर साहब हैं, यही मतलब बताएँगे, यही सब बता रहे हैं कैसे क्या करना होता है। तो देख सकते हैं हम कुछ ऐसा ही सीन है। अगर आप बहुत सारे बच्चे फार्मेसी विभाग BSc AG का तो पता नहीं, लेकिन BSc बायो मैथ BA ये सब बच्चे हैं, MA तक के बच्चे यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे। सो दोस्तों यही सब जानकारियाँ थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों ऐसे ही और अमेजिंग, अगर आप कुछ भी ब्लड डोनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का हर कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि और कुछ बात बताया गया तो जो आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको पढ़ने वाला या फिर ऐसे कॉलेज में स्टूडेंट है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।